Now here we are going to start question answers of chapter number 2, Birkenhead Drill. Question number 1. When and where did the Birkenhead Drill sink? मतलब कब और कहाँ Birkenhead Drill डूबी. The Birkenhead Drill sank 64 kilometers far from the coast of South African city of Cape Town on February 25, 1951. मतलब Birkenhead Drill डूबी 64 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका से फरवरी 25, 1951 इस डेट पे. क्वेश्चन नंबर 2. What kind of people was being carried as passengers on the Birkenhead Drill? मतलब इस शिप पे कौन से people थे, मतलब किस तरह के लोग थे जो सफ़र कर रहे थे. Answer. The Birkenhead Drill was carrying soldiers and their families to South Africa. The soldiers were mostly young and inexperienced. Birkenhead Drill जो ship थी वो एक troop ship थी, तो इसमें तकरीबन soldiers और उनकी families थी जो कि South Africa की तरफ सफ़र कर रही थी. और ये soldiers जो थे वो तकरीबन यंग थे, नौजवान थे और इनएक्सपीरियंस्ड थे, जिन्हें अपने काम का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. मतलब न्यू सोल्जर्स थे ये लोग, तो इसलिए इन्हें इतना ख़ास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड Birkenhead Drill कम टू बी wrecked? वर एनी मेम्बर्स ऑफ क्रू टू ब्लेम? किस तरीके से Birkenhead Drill मतलब शिप जो है वो टूटी, तो क्या किसी क्रू के मेंबर को इस चीज़ का ब्लेम देना चाहिए? आंसर. द Birkenhead Drill ran into an underwater rock and was wrecked on it. No member of crew was to blame for this disaster as the rock was not indicated on any map and none of them knew anything about it. Birkenhead Drill जो है वो एक रॉक की वजह से टूटी थी, स्प्लिट हुई थी पार्ट्स में, जो कि अनडिस्कवर्ड था और अनसीन था. मतलब कोई भी ऐसा मैप नहीं था जो जिसमें इस चीज़ का जिक्र हो. इसकी वजह से Birkenhead Drill का हादसा पेश आया, तो इसमें किसी भी क्रू के मेंबर का कोई ताल्लुक़ नहीं था, मतलब किसी की कोई गलती नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 4. Why was there lifeboat accommodation for only 180 people after collision with toy rock? क्यों यहाँ पर सिर्फ lifeboats इतनी ही थी जो 180 मतलब 180 लोगों के लिए हो, जो कि 180 लोग ही उनकी लाइफ सेव हो सके, क्यों ऐसा था? आंसर. मोस्ट ऑफ द lifeboats on the ship were damaged during the collision. Only 3 of them were left intact and they had capacity of 60 persons each. The total accommodation that come to 180 persons only. Lifeboats तकरीबन सब तबाह और बर्बाद हो चुकी थी. सिर्फ 3 इस हालत में थी जो कि यूज़ की जाएं, जिनमें टोटल जो कैपेसिटी थी वो जस्ट 180 लोगों की थी, इससे ज़्यादा की नहीं थी. रिमेनिंग को यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कोलिजन की वजह से ख़त्म हो चुकी थी, यूज़ करने के काबिल नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 5. वॉज देयर इनफ रूम इन द लाइफ बोट्स फॉर ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन द बोर्ड? अब यहाँ पर जो लाइफ बोट्स थी उनमें इतनी स्पेस थी कि वो चिल्ड्रंस मतलब बच्चों की और औरतों की जान बचा सके. आंसर. There was enough room in the lifeboats for all the women and children because they were 170 in all and there was capacity of 180 persons in lifeboats. यहाँ पर lifeboats में इतनी capacity थी कि वो औरतों को और बच्चों को बचा सकें, उनकी लाइफ को सेव कर सकें, क्योंकि टोटल जो शिप में बच्चे और औरतें थी वो 170 थी इन क्वांटिटी, तो और लाइफ बोट्स जो थी उनमें टोटल 3 लाइफ बोट्स में 180 पैसेंजर्स की जगह थी, तो इसलिए इतनी स्पेस थी कि दोनों को सेव किया जाए. Question number 6. What would probably have happened had there been panic? क्या situation create हो गई थी? क्या वहाँ पर panic था? वहाँ पर confusion और हड़बड़ाहट वाली situation थी? Answer. If there had been a panic, the women and children have been crushed under the feet of man in their bid to escape first. अगर यहाँ पर पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो फिर जो औरतें और बच्चे हैं वो वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती तो फिर जो बच्चे और औरतें थीं वो तो फिर पैरों में आना शुरू हो जाते, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग था वही अपनी लाइफ को सेव कर सकता था इस सिचुएशन में। अगर पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती तो फिर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि वुमेन और चिल्ड्रन उनकी लाइफ सेव हो सके। Number 7. Describe the behavior of the soldiers while the women and children escaped in the boats. Describe करना है behavior soldiers का जब women और children को उनकी लाइफ को वो लोग सेव कर रहे थे, और जब women और children ट्रांसफ़र कर रहे थे शिप से बोट्स में, तो soldiers का behavior क्या था उस वक्त? Answer. In the face of certain death of the soldiers showed an exemplary behavior by maintaining full discipline while the women and children escaped in the boats. अब यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल इस तरीके से शो हो रही है कि कुछ सोल्जर्स ने अपनी जानें तक गंवा दी, लेकिन वो लोग फुल डिसिप्लिन में रहे और अपने आप को बिल्कुल भी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं की, और ऑर्डर्स के मुताबिक काम करते रहे, और इस तरीके से उन्होंने वुमेन और चिल्ड्रन को सेफली बोट तक पहुंचा दिया। Question number 8. Were many of men rescued who remained on the sinking ship? How did the survivors among those left on the ship manage to save themselves? बहुत सारे आदमी भी थे जो कि उस शिप में थे, डूबती हुई शिप में, तो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया, क्योंकि औरतें और जो चिल्ड्रन थे वो लोग सब तो उनके लिए तो लाइफ बोट्स प्रेजेंट थी, तो बाकी रह गए जितने भी आदमी थे, मर्द हजरात थे, तो उन लोगों ने अपनी लाइफ को किस तरीके से बचाया? आंसर. देयर वर 630 पर्सन्स ऑन द बोर्ड। यहाँ पर जो टोटल थे शिप में वो 630 लोग थे, और जिसमें से 170 जो थे वुमेन और चिल्ड्रन थे, प्लस द मैन नंबर्ड 460। तकरीबन 460 जो थे वो मर्द हजरात थे। वेरी फ्यू ऑफ दैम वर पिक्ड अप बाय द रेस्क्यू शिप, जिसमें से बहुत कम जो थे वो रेस्क्यू शिप जो है वो एमरजेंसी में बुलाई गई ताकि उन्हें बचाया जा सके, तो वो शिप उस शिप के पहुंचने तक जस्ट 24 लोग या 24 आदमी जो है वो बचे, जिन्होंने अपनी जान बचाई, तो फिर उन्हें रेस्क्यू शिप ले गई। Question number 9. Describe one heroic action that took place after the Birkenhead went down. एक heroic action ऐसा बताएं जब Birkenhead Drill जब पूरी तरीके से डूब चुकी थी तो एक ऐसा heroic action हुआ था वहाँ पर, तो हमें उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। Answer. The commander of the ship showed great heroism ever after the ship had sunk. जो कमांडर था शिप में उसने सबसे ज़्यादा बेस्ट हीरोइक एक्शन शो किया। He managed to cling to some piece of wreckage. वो उसने सहारा लिया हुआ था, कुछ जो पीस थे, टुकड़े थे शिप के टूटे हुए, उससे उसने सहारा लिया हुआ था। But when he found that two young sailors were struggling for their life, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दो नौजवान सेलर्स थे जो कि स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ के लिए, ही पुश्ड द पीस ऑफ रैकेज टुवर्ड्स दैम फॉर द सपोर्ट। फिर उन्होंने जो पीस जिससे उन्होंने ख़ुद ने सहारा लिया हुआ था वो पीस उन्होंने उन लोगों की तरफ किया। बट व्हेन ही फाउंड दैट इट कुड नॉट सपोर्ट ऑल थ्री ऑफ दैम, ही लेट गो हिज होल्ड अपॉन इट एंड वेंट डाउन इनटू द सी। लेकिन जब उन्होंने ये बात नोटिस की, रियलाइज़ की कि वो जो पीस है टूटा हुआ शिप का वो तीन लोगों का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन्होंने कमांडर ने उन दो लोगों की लाइफ को बचाने के लिए उन दो यंग सीनियर्स की लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को ख़तरे में डाला और उन्होंने अपना होल्ड छोड़ दिया और वो जो पीस था वो उनके सहारे के लिए दे दिया, जो दो नौजवान थे उनको सहारे के लिए दे दिया और उन्होंने अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट था स्टोरी का और सबसे बेस्ट हीरोइक एक्शन था। क्वेश्चन नंबर 10, वर द ट्रूप्स ऑन द बोर्ड ऑफ द ब्रिकनहेड experienced and used to facing danger? How do we know that they behaved with gallantry and discipline up to very last? जो भी वहाँ पर सोल्जर्स थे और जितने भी लोग थे तो उन्हें एक्सपीरियंस था कि वो हमेशा इस डेंजर को फेस करें, तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा और उनके बिहेव का अंदाज़ा आखिर वक्त तक उनके जो डिसिप्लिन का अंदाज़ा हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो हमें उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। आंसर, द ट्रूप्स ऑन द बोर्ड ऑफ द ब्रिकनहेड वर मोस्टली यंग इनएक्सपीरियंस्ड। जितने भी वहाँ पर लोग थे और स्पेशली सोल्जर्स वगैरह थे वो इनएक्सपीरियंस्ड थे, मतलब उन्हें इन चीज़ों की ऐसा कोई आदत नहीं थी। दे वर नॉट यूज्ड टू फेसिंग डेंजर। ये इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे कि इस तरह के डेंजर को फेस कर सकें। नेवरदलेस दे वर फुली डिसिप्लिन्ड एंड बिहेव हीरोइकली। दे फेस्ड सर्टेन डेथ विद परफेक्ट कामनेस। उसके बावजूद इन्होंने अपना डिसिप्लिन शो किया और बिहेव किया एज अ हीरो और इन्होंने मौत को भी गले लगाया बहुत खुशी से और बहुत ज़्यादा पुरअमन तरीके से, पुरसकून तरीके से। They sacrificed their lives in order to give weaker one a chance of life. We have come to know their heroism through survivors. इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगा दी सिर्फ़ वीक लोगों को बचाने के लिए और इनकी इस जो कुर्बानी है, जो उन्होंने कुर्बानी दी, इस चीज़ों का जो सबूत थे वो लोग थे जिनकी लाइफ सेव हो गई थी, जो उस शिप से रेस्क्यू हो गए थे। उन लोगों ने इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल दी और वो एक हीरोइक एक्शन था जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 2 ब्रिकनहेड ड्रिल। सो एक्सरसाइज नंबर 7, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस। हमें यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स गिवन हैं या फिर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स गिवन हैं, वो हैं तो आपके पास वर्ब, लेकिन हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना है वर्ब को कि वो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में आ जाए। मतलब यहाँ पर वर्ब गिवन है, जैसे कि दो चीज़ें हमें इस चीज़ में याद रखनी है इस एक्सरसाइज को करते वक्त। एक तो ये कि जब सिंगुलर चीज़ों की बात की जाती है तो उसमें वर्ब के साथ हमें एस या ई एस लगाना ज़रूरी होता है, और अगर प्लूरल चीज़ों की बात की जाए तो उसमें हमारे पास नेसेसरी नहीं होता कि हम वर्ब में एस या ई एस लगाएं। तो उसको देखते हुए हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास गिवन है, जैसे कि नंबर 1, शी ऑलवेज टेक हर पेट डॉग फॉर अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। तो आप यहाँ पर टेक की जगह टेक्स कर सकते हैं। नंबर 2, अ सिंगल सीन इन अ फिल्म ऑफन कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स। यहाँ पर आपके पास एक सिंगल जो है वो सीन की या सिंगल फिल्म की बात हो रही है, तो फिर आप यहाँ पर कॉस्ट ही रहने दें। उसके बाद आपके पास है आई रियरली, ब्रैकेट में आपके पास गिवन है वेयर अ टाई इन समर बट आई वेयर वन नाउ। यहाँ पर आपके पास एस दोनों जगह पे दोनों ब्रैकेट्स में पुट होगा, मतलब वेयर्स हो जाएगा ये। उसके बाद नंबर 4, डोंट टॉक टू मी नाउ कांट यू सी दैट आई वर्क। सिंगल की बात हो रही है आई, तो फिर देन यहाँ पर आ जाएगा एस लग जाएगा, आपके पास वर्क्स हो जाएगा ये। नंबर 11, डोंट इंटरप्ट योर फादर ही रीड। यहाँ पर आपके पास रीड में रीड्स हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा। नंबर 12, द अर्थ गो राउंड द सन एंड द मून गो राउंड द अर्थ। यहाँ पर दोनों में दोनों ब्रैकेट्स में आपके पास गो के साथ ई एस लग जाएगा, ये गोज़ हो जाएगा। वॉट यू डू इन द इवनिंग जनरली नेट और स्यू बट टू नाइट आई लुक एट द टेलीविज़न, लुक की जगह यहाँ पर लुक्स हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें आपके पास सेम ही रहेंगी ब्रैकेट्स में। नंबर 14, शी स्पीक फ्रेंच बेटर दैन इंग्लिश, यहाँ पर आपके पास स्पीक की जगह स्पीक्स हो जाएगा। नंबर 15, डोंट गो अवे आई स्पीक टू यू, आई स्पीक्स टू यू, ब्रैकेट में एस आ जाएगा, जस्ट एडिशन हो जाएगी एस की। नंबर 16, ही मस्ट बी इल ही ग्रो थिनर एंड थिनर ऑल द टाइम, यहाँ पर आपके पास ग्रोज हो जाएगा। नंबर 17, वॉट यू डू आई स्टिक द टू हाफ्स ऑफ दिस प्लेट टुगेदर, अब यहाँ पर स्टिक की जगह आपके पास स्टिक्स हो जाएगा।